हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं टोपी पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? उत्तर, गौरैया और गौरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गौरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा गौरा विपक्ष में था। गौरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गौरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढंक जाती है। उसी बहस के दौरान गौरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। टोपी बनवाने के लिए गौरैया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवाकर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उसे बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गौरैया की टोपी सील दी। प्रश्न 3, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों जोड़ दिए? उत्तर, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने लगाए क्योंकि दर्जी को बाजी मजदूरी मिली थी जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवकों को कपड़े सिलता था जो उसे बेगार करवाते थे, लेकिन गौरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया। प्रश्न 4, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। उत्तर, सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णतया सफलता नहीं मिलेगी। गौरैया और गौरे की बहस को तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। उत्तर, गौरैया, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फवता है उन पर कपड़ा। गौरा, खाक फवता है, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। गौरैया, लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। गौरैया, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। यह नीरा पोंगापन है, अपन तो नंगे ही भले। फिर गौरैया, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। फिर गौरा, टोपी तो पाएगी कहाँ से, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। मेरी मान, तू इस चक्कर में पड़ ही मत। कहानी से आगे। प्रश्न 1, किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ज्ञात कीजिए और लिखिए। उत्तर, यदि किसी कारीगर को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वह या तो कार्य पूरा नहीं करेगा, और यदि वह कार्य पूरा करने को तैयार भी हो जाएगा तो कार्य को फुर्ती से या खूबसूरती से नहीं कर पाएगा। प्रश्न 2, गौरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई के मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह क्रमशः एक एक कर कई कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी तैयार होती है। आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए, उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। विद्यार्थी इसका उत्तर स्वयं करेंगे। प्रश्न 3, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है।
सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मन में उत्साह होना आवश्यक है। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, कोई न कोई कमी जरूर रह जाएगी। अनुमान और कल्पना। प्रश्न एक, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गबरा से हुई और वह गबरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी, फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची, कारण का अनुमान लगाइए। टोपी पहनकर गौरैया के राजा को दिखाने का मकसद गबरा को नीचा दिखाने से था, क्योंकि बहस के दौरान गबरा ने गौरैया से कहा था कि टोपी तो आदमियों के राजा पहनते हैं। गबरा के इसी बात को गलत साबित करने के लिए गौरैया टोपी पहनकर राजा के पास गई। प्रश्न दो, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? उत्तर, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगरों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिलता तो गौरैया का कार्य पूरा करने से पहले कारीगर राजा का कार्य पूरा करते तथा राजा की टोपी भी गौरैया के टोपी के समान ही सुंदर होती। प्रश्न तीन, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा धागा बुन रहा था, चौथा राजा की सातवीं रानी की दसवीं संतान के लिए झब्बे सील रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? चारों कारीगर राजा का काम कर रहे थे, परंतु राजा द्वारा उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता था। गौरैया ने उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य दिया, इसीलिए सभी कारीगरों ने राजा का काम रोककर पहले गौरैया का काम किया। भाषा की बात। प्रश्न एक, गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गौरैया गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है, उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फुंदना फुलगेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द है जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुलुक मुल्क, क्षमा क्षमा, मजूरी मजदूरी, मल्लार मलार इत्यादि। आप क्षेत्रीय गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए, जैसे टेम यानी टाइम, टेशन यानी स्टेशन आदि। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। क्षेत्रीय भाषा, घैला मूल रूप घड़ा, लड़की मूल रूप लड़की, और भीख इसका मूल रूप भिक्षा, तरकारी मूल रूप सब्जी, और भात इसका मूल रूप चावल। प्रश्न दो, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर तीन मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अब हम इसका उत्तर अध्ययन करेंगे। मुहावरा टोपी उछालना, अर्थ बेइज्जती होना। मुहावरा टोपी से ढंक लेना, अर्थ इज्जत ढंक लेना। और मुहावरा टोपी कसकर पकड़ना, अर्थ सम्मान बचाना। शब्दार्थ, भिनसार यानी प्रातःकाल सवेरा, खोते अर्थ घोंसले, छुटपुटा यानी सवेरे या शाम का समय जब प्रकाश इतना कम हो कि कोई चीज साफ दिखाई न दे, वह समय जब कुछ कुछ अंधेरा और कुछ कुछ उजाला हो। लटजीरा अर्थ चिचड़ा एक पौधा, और सरापा यानी सिर से पांव तक पहना जाने वाला वस्त्र। सकत यानी शक्ति सामर्थ्य, लफड़ा यानी
उलझन, झंझट। फकत यानी केवल, अपन यानी अपना, फिकर का अर्थ चिंता, फिक्र, और मत यानी नहीं। मामूल का अर्थ वह बात जो रोज की जाए हमेशा की तरह। घूरा यानी कूड़े करकट का ढेर। चिहाकर यानी चौंक कर, चकित होकर। जुगाड़ का अर्थ उपाय। मनुहार का अर्थ मनाना। चाम का अर्थ त्वचा, चमड़ा। फोकट यानी मूल्य रहित, मुफ्त। और उजरत का अर्थ मजदूरी, मेहनत का बदला, पारिश्रमिक। मल्लार का अर्थ मल्हार, संगीत का एक राग। और मुल्लुक यानी मुल्क, तेस। लगुए भगुए यानी पीछे चलने वाले, मेलजोल के व्यक्ति। मशगूल यानी व्यस्त। सेंत मेंत यानी वह काम जिसके लिए कुछ देना ना पड़ा हो, बिना लाभ। धरकी यानी कपड़ा बुनते हुए जुलाह, जिससे बाने का सूत फेंकते हैं। गफस यानी गफस, घना बुना हुआ। और दबीज का अर्थ मोटा, मजबूत। बेगार अर्थ बिना मजदूरी का काम। मुजी यानी दुष्ट। फूंदने का अर्थ सूत, ऊन आदि का फूल या फूल गेंदा। हुलस यानी उल्लास, खुशी। इतने सारे यानी इतने सारे। टहलू यानी नौकर। फुलेल का अर्थ खुशबूदार तेल। और फूंदने दार यानी फूल गेंदे वाला। और फद्दगुद्दी यानी एक छोटी चिड़िया, गौरैया। पखने यानी पंख। खमा यानी क्षमा। नायब का अर्थ बहुमूल्य, वेश कीमती। हुनरमंद यानी कुशल, गुणी कारीगर। मनिंद यानी जैसा, अनुरूप। और नफासत का अर्थ सजा। जुड़ती का अर्थ जुटना, एकत्र होना। पाखी का अर्थ पक्षी, चिड़िया। लश्कर यानी पलटन, सेना। लवजीमा का अर्थ यात्रा आदि में साथ रहने वाला सामान। नगीना यानी सुंदर। और अकबकाना यानी भौंचका होना, घबराना। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।